पूर्व मंत्री पर टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता के विरोध में यूथ कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एंट्री। मामला भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। भिंड पूर्व विधायक राकेश चौधरी के निज निवास पर हुई प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने पूछे एक सवाल पर, जिसमें पत्रकारों के द्वारा पूछा गया था कि भाजपाइयों के द्वारा शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, उस पर जहां पर पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह से पूछा गया कि वो सरकार के द्वारा जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है, वो विकास कराने में विश्वास रखते हैं, ना कि नाम बदलने में। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये भाजपाई अपने पिता का नाम भी बदल लें अच्छा होगा, जिसको लेकर भाजपा नेता अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू ने पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह से कहा था कि पहले पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह अपना और अपने पिता का नाम बदलें। भाजपा नेता के द्वारा पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एंट्री ले ली है। इसमें यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता के बयान का विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में लहार थाना पहुंचे, जहां पर भाजपा नेता अमरीश शर्मा के विरोध में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही 24 घंटे का समय दिया कि उनके खिलाफ FIR अगर नहीं होती तो वो सड़कों पर उतर कर आंदोलन भी करेंगे। और यहां बताना उचित होगा कि यह घटनाक्रम जब से शुरू हुआ है, जब से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का लहार दौरा हुआ है, आगे और भी घटनाक्रम में वाद विवाद का क्रम और बढ़ेगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कमलनाथ का प्रस्तावित दौरा भिंड में 23 तारीख को होगा। बात को आवेदन इसलिए दिया, इससे पहले कुछ समय पहले एक सभा हुई थी जिस सभा में डॉक्टर साहब ने भाजपा ही एक अलग तरीके से किया था। गुड्डू शर्मा का कहना है, उन्होंने सीधे व्यक्तिगत तौर पर सीधा ये कहा कि गोविंद सिंह बदले अपना नाम और अपने पिता का नाम, ये थोड़ा गलत लगा। आप कह देते कांग्रेस बोल देते, आप पर्सनल व्यक्तिगत आपने टिप्पणी की, सबसे बस इसी बात की सभी कार्यकर्ताओं को सबसे गलत बात है। कम से कम आप नेता इतने बड़े हैं, आप थोड़ी दमदारी दिखा लेते, आप थोड़ा शांत बैठे आते और पोस्ट डाल के अखबार में आपने छपा ली, फिर आपने फेसबुक पे डाला और 49 लोगों ने शेयर किया, एक लोग ने हर 49 शेयर हुए, एक आदमी ने कम से कम दो तो लाइक किए होंगे, दोनों लोगों तक खबर तो पहुंची होगी कम से कम, ये गलत है। यदि वो भविष्य में यदि माफी मांगते हैं तो क्या आपके द्वारा कोई प्रक्रिया व्यक्त की जाएगी? देखो गुड्डू शर्मा बहुत बड़े आदमी है, उनसे माफी मांगूंगा कि ना मैं उनसे बड़ा हो जाऊंगा ना मैं हमेशा छोटे रहूंगा उनसे। मेरा निवेदन ये, थोड़ी दमदारी रखें, क्या बोलना है तरीके, गोविंद सिंह बदले अपना नाम और अपने पिता का नाम, ठीक है यार। जो आदमी 74 साल का है, ठीक है, आप सोच रहे चलो एक जवाब कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है चल जाए यार, बोल दिया तो बोल दिया, थोड़ी दमदारी तो रखो यार, थोड़ा बहुत अखबार में छपा दी, फेसबुक पे पोस्ट पे डाल दी। अमरीश शर्मा जो भी लाल भाई हैं, गुड्डू शर्मा जी हैं, उनने जो जिस तरीके के उनने बयान दिया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी अपना नाम अपने पिताजी का नाम बदले, क्योंकि यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँची है, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस आज लार थाना प्रभारी कुकल सिंह भदौरिया जी को ज्ञापन दिया, उनको निवेदन आग्रह भी किया कि इसकी जांच की जाए, 24 घंटे के अंदर अगर FIR नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी।